कानपुर देहात में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का सपा पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। दरअसल झांसी से लखनऊ वापस आते समय कानपुर देहात में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं ने अकबरपुर 12 टोल प्लाजा पर जोरदार स्वागत किया। दरअसल आपको बता दें कि जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर 12 टोल प्लाजा हाईवे पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत हुआ। आपको बताते चले कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए पुष्पेंद्र यादव के परिजनों से मिलने झांसी गए थे। झांसी से लखनऊ वापस आते समय कानपुर देहात में उनका पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पूर्व राज्य मंत्री रामस्वरूप सिंह गौर का माला पहनाकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान सैकड़ों सपा कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। इसके बाद अखिलेश यादव कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित आवास विकास में एक निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे। वहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार की पोल खोलने वाला बयान दे डाला। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर के लेकर बताया कि सरकार एनकाउंटर नहीं बल्कि ताबड़तोड़ हत्याएं कर रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। अपराधी बेखौफ घूमकर तो ताबड़तोड़ हत्याएं कर रहे हैं। प्रदेश में जंगल राज के चलते पत्रकार की हत्या हो गई तो आम आदमी का क्या हाल होगा? अभी भी वहाँ पे हालात सामान्य नहीं, सरकार कह रही है हालात सामान्य, आपका क्या कहना? नहीं, हम तो कहते हैं सरकार, ये सरकार को अगर ये लगता है कि खुशी खुशी सब चीज हुई है तो सरकार को वहाँ पर लोगों को आजाद करना चाहिए। सोचो हमारे भारत में, आजाद भारत में लोगों की आजादी छीन ली गई, इससे और शर्मनाक क्या चीज हो सकती है? जो हमारा संविधान, जो हमारी भारत की पहचान है, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं। अगर कहीं कोई बात है तो हम तो कहते हैं अगर सब व्यवस्था ठीक हो गई है तो वहाँ हटा देना चाहिए कर्फ्यू, लोगों को आजाद कर देना चाहिए। सर एक आखिरी चीज बस, सर जिस प्रकार से आपने कहा कि अब निश्चित तौर पर लॉलेस स्टेट में आपको साइकिल चलानी पड़ेगी और हर गांव तक जाना पड़ेगा, इसकी शुरुआत कब से कर रहे हैं, उसका खास कारण क्या? चुनाव के बाद लगातार ये कार्यक्रम पार्टी के चलेंगे, जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापारियों का कारोबार खत्म हो गया है, हर चीज बिक रही है। जो भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी की बात कर रही थी, हर चीज बिक रही कि नहीं बिक रही बताइए? आपके यहां पर डिफेंस के लिए इतना कुछ था, क्या प्राइवेटाइज नहीं हो रहा क्या आपका? ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बचेंगी कि नहीं बचेंगी? हमारे देश के जो महत्वपूर्ण कारखाने हैं वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे कि सब बिक जाएंगे? अभी तो एक ट्रेन चली है, न जाने कितनी ट्रेन चलेंगी। और जो हमारे पिछड़े भाई हैं, दलित भाई हैं, उसी रफ्तार से उनका हक और सम्मान भी चला जाएगा जिस रफ्तार से बस चल रही है, ट्रेन चल रही है। सपा के सभी संगठन भंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग छोड़ रहे हैं, नए संगठन कब तक बनेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारी पार्टी की अपनी जिम्मेदारी है, हम अपना निभाएंगे बहुत जल्दी, ये आपको इसकी चिंता करने की वो फिक्र नहीं है। शिवपाल पे आखिरी क्वेश्चन, यादव का झांसी में एनकाउंटर हुआ, सरकार ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है, इस पे क्या कहना है? देखिए सरकार एनकाउंटर नहीं कर रही है, सरकार हत्या कर रही है। और जो हत्याएं हो भी रही हैं अपराधियों से, उन हत्याओं को सरकार बचा नहीं पा रही। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, कानपुर बड़ा शहर है, कल यहाँ पर हत्या हो गई, बस्ती में भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता, उसकी हत्या हो गई। उससे पहले मऊ में एक महिला उस बेटे की हत्या हो गई, घर में घुस करके मार दिया। कहाँ उत्तर प्रदेश में लोग सुरक्षित हैं? जो आंकड़े बताते हैं हत्याएं लगातार हो रही है और पुलिस कानून व्यवस्था के नाम पर निर्दोष लोगों की भी हत्या कर रही है। धारा 370 में आपने विरोध किया, हत्या हुई है अखिलेश जी, जिस प्रकार से गोंडा में पत्रकार की हत्या का मामला आया है, गोंडा में सीआईएसएफ का जवान मारा गया मामूली विवाद में, ऐसा नहीं लगता कि सर बीजेपी का कहना है सब बायफेक्ट तैयार किया जा रहा है सरकार को बदनाम करने? देखिए विपक्ष के पास कोई कुछ नहीं, केवल आवाज उठाने की उनकी बात है, केवल विपक्ष तो आवाज उठा सकती है। ये जितना प्रशासन शासन है वो सरकार के पास है, पूरा प्रशासन सरकार के पास है। अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं है और फौज के लोग सुरक्षित नहीं है, जहां अगर किसी फौजी की हत्या हुई हो मामूली विवाद में, वहीं झांसी में पुष्पेंद्र का भाई झूठा फंसा दिया होता, ये इस प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। ये प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री जी ने हत्या प्रदेश बना दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद का ठोको, अब किसी को यही नहीं पता है किसको ठोको, पुलिस खुद ठोक रही है, जो पुलिस कानून नहीं जान के अंदर काम नहीं कर रही है। ये कभी न कभी
ये जो जितने फर्जी इनकाउंटर हुए हैं इनका खुलासा होगा। पूरे देश में ह्यूमन राइट कमीशन के सबसे ज्यादा नोटिसेज अगर कहीं मिले हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिले। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।